एक बार एक गांव था जिसका नाम था समृद्धपुर। ये सिर्फ नाम का ही समृद्ध नहीं था, यहाँ के लोग भी बहुत समृद्ध थे, यानी कि बहुत खुशहाल थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। सब लोग अपने अपने कामकाज में जुटे हुए थे। ये दिन भी आम दिनों की तरह ही था, लेकिन मौसम का मिजाज जो था वो आज कुछ अलग था। देखते ही देखते कुछ समय बाद मौसम ने एक भयंकर रूप ले लिया। वो रूप एक तूफान में बदल गया। सब कुछ उसने तहस नहस कर रख दिया। लोग इधर उधर जान बचाकर भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो आज कोई भी नहीं बचेगा। जब तूफान गया तब अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गया। जख्मी लोग, घर टूटे हुए, अस्पताल से एक एम्बुलेंस आई जो कि काफी नहीं थी। लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे हालातों से लड़ने की। तभी उन्हें एक दूर से आवाज सुनाई देती है। तभी लोग एकदम से उठ जाते हैं और उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं। फिर वहां से एक जोरदार प्रकाश होता है, लेकिन वो आवाज लगातार गूंजती रहती है। शोम शोम शोम। तभी वहां एक साधु प्रकट होते हैं। फिर वो अपनी आंखें खोलते हैं और फिर अपने आसपास देखते हैं और फिर आगे की तरफ चल पड़ते हैं। देखने में तो वो एक साधु लग रहे थे, लेकिन क्या वो साधु ही थे या साधु के रूप में कोई और? फिर वो वहां जाते हैं जहां सब कुछ तबाह हो चुका था। वो सारी जगह पर घूम घूम कर आसपास देखते हैं। देखते ही देखते वो ऊंची ऊंची हंसने लगते हैं। इस साधु में कुछ तो गड़बड़ थी। फिर वो साधु वहां जाते हैं जहां लोग जख्मी पड़े हुए थे। लोगों को उनको देखकर एक उम्मीद जाग जाती है और उनसे मदद के लिए विनती करने लगते हैं। लोगों को ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उनके लिए कोई फरिश्ता भेज दिया हो। बाबा देखो ये क्या हो गया, अब आप ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो, कृपा करो बाबा। आप लोग सब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, आगे आगे देखो होता है क्या, बस विश्वास रखो मेरे पर। बाबा देखो ये तूफान ऐसे लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी में आ गया हो, हमारे घर टूट गए, लोग जख्मी हो गए, हमारे परिवार बिखर गए, जो बचे हैं वो आपके सामने है, बाबा हम पे कृपा करो, अगर आप हमें इस मुसीबत से निकाल दो तो हम सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलेंगे बाबा। जी बाबा जी आप ही हमारे अब भगवान हो, कृपा करें बाबा जी, आप ही अब हमारी आखिरी उम्मीद हो, कृपा करें, बाबा की जय हो। फिर उसके बाद बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी शक्तियों से सभी लोगों को ठीक कर देते हैं। एकदम से प्रकाश होता है और सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं और बाबा का धन्यवाद करते हैं। फिर उस बाबा ने सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दिया और वहां से चल पड़े। यही तो मैं चाहता था कि सारे लोग मेरे पे यकीन करें, और ऐसा ही हुआ। ये लोग मेरे को साधु समझ रहे हैं, लेकिन मैं तो एक चुड़ैल हूँ। अब इस गांव को मेरे चंगू से कोई नहीं छुड़ा सकता। वो बाबा इस बात का पूरा फायदा उठा रहा था कि लोगों को उस पर पूरा यकीन हो गया है, लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि उनका घर उजाड़ने वाला और कोई नहीं, यही बाबा है।
लोग उस पर आंखें बंद कर विश्वास कर लेते हैं और बाबा इसी बात का फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। अब फिर से वो गांव पहले की तरह खुशहाल हो जाता है। लोग अपने पहले की तरह ही जिंदगी जीने लगते हैं। लोगों का यकीन जीतने के लिए बाबा ने गांव को फिर से पहले जैसा कर दिया था। अब बाबा गांव में ही आश्रम बनाकर रहने लगे और सारा गांव उनके पास आश्रम में जाने लगा। लोग बाबा के पास अपनी मुश्किलों को लेकर जाने लगे और बाबा भी उनकी मुश्किलों का समाधान करने लगा। अब लोगों की आस्था बाबा में बहुत बढ़ने लगी। लोग बाबा के पास अपनी फरियाद लेकर आने लगे। उनका यकीन जीतने के लिए वो अपने चमत्कार के द्वारा उनकी फरियाद को पूरी करने लगा। ये बाबा आखिर करना क्या चाहता था? ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और फिर एक दिन मेरे पति कल से घर नहीं आए, कोई मेरी मदद करो, मैं क्या करूं? क्या हुआ बेटी, कहाँ गए तुम्हारे पति? कुछ बताया था कहाँ जा रहे हैं? हाँ बाबूजी, उन्होंने बताया था कि मैं कल शहर जा रहा हूँ और कहा था आते हुए बाबा के पास होता आऊँगा, लेकिन उनका कोई भी अता पता नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है अब। हे भगवान, ये कल से निर्मल भी अपने घर से गायब है, उसकी माँ का भी रो रो के बुरा हाल है। आखिर ये हो क्या रहा है? पिछले एक महीने में 20 लोग गायब हो गए हैं, ऐसे तो कुछ दिनों में पूरा गांव खाली हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि हमें बाबा के पास जाना चाहिए, वो ही इन सारी मुश्किलों का हल कर सकते हैं। सही कह रही हो बेटा, उनके पास ही जाना चाहिए, पहले भी वही बाबा हमारी मुश्किलों का हल निकालते हैं। सब लोग बाबा के आश्रम में जाने की सलाह करते हैं और फिर वो बाबा के आश्रम की तरफ चल पड़ते हैं। फिर वो लोग बड़ी आस्था से बाबा के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बाबा तो यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए? बेटी यहीं होंगे, लगता है वो अपने आश्रम में आराम कर रहे हैं। चलो वहीं चलते हैं, बाबा को अपनी सारी मुश्किल बताते हैं। इतना कहते ही सब लोग बाबा के कमरे की तरफ चल पड़ते हैं। आज तक कोई भी उस बाबा यानी कि चुड़ैल के कमरे की तरफ नहीं गया था। बाबा भी इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी तरफ कोई आ रहा है। वे बाबा को एक खिड़की से देखते हैं। बाबा के कमरे का जो दृश्य वे देखते हैं उनसे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन बाबा को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसे कोई देख रहा है। सब गांव वालों को मैं इसी में पका के खाऊंगा, ये लोग मेरे पे यकीन करते रहेंगे और मेरे जाल में फंसते रहेंगे। उन बेवकूफों को तो ये भी नहीं पता कि मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं उन गांव वालों को मार के कंकाल बना दूंगी, मुझे कंकाल के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। ये बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और फिर वो किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर वो सारी बात आकर गांव में लोगों को बताते हैं। पहले तो लोगों को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर जब वो पांचों ये बात बताते हैं तो लोगों को उन पर यकीन हो जाता है। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर बाबा चुड़ैल है तो उसने लोगों को बचाया क्यों था? आप लोगों का सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देख के आए हैं वो भी झूठ नहीं है। हाँ हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन उससे छुटकारा कैसे पाएं अब वो सोचो। सुनो भाई, मेरे पास एक तरीका है, अगर वो हो जाए तो काम बन जाएगा।
तो जल्दी बताओ मौसी, हमें क्या करना चाहिए? तभी उनमें से एक बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि पास के गांव में एक तांत्रिक बाबा है, हमें उसके पास जाना चाहिए। वो तांत्रिक बाबा इस चुड़ैल के छक्के छुड़ा देगा। उसके बाद गांव के सब लोग उस तांत्रिक बाबा के पास इकट्ठे होकर चल पड़ते हैं। सारा गांव तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा हमारी मदद करो, बाबा हमारा गांव बहुत बड़ी मुसीबत में है। क्या हुआ बच्चा, परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? फिर सारे लोग बाबा को सारी बात बताते हैं। बाबा सारी बात ध्यान से सुनते हैं। फिर बात सुनने के बाद बाबा आंख बंद कर ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। और फिर तांत्रिक बाबा को सारी बात समझ में आ जाती है कि कैसे चुड़ैल ने गांव वालों को अंधेरी तूफान लाकर तंग किया और फिर कैसे साधु बनकर लोगों को धोखा दिया। तुम्हारे साथ तो इस चुड़ैल ने बहुत बुरा किया है। मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा, इसको तो सबक सिखा के ही रहूंगा। बाबा जी अब आप ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। चिंता मत करो बेटी, मेरे साथ आओ, सब लोग चलते हैं, मैं उसको सबक सिखाता हूँ। इसके बाद तांत्रिक लोगों के साथ गांव आ जाता है और फिर सीधे चुड़ैल के आश्रम पहुंच जाता है। बाहर निकल चुड़ैल, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकती। गांव वालों ने तेरी सारी हकीकत मुझे बता दी है, हिम्मत है तो बाहर निकल। तांत्रिक की बात सुन चुड़ैल बाहर आ जाती है और लगता है तेरे को जीने की इच्छा नहीं है तांत्रिक, जो तू यहाँ पे चला आया। अपनी खैर चाहता है तो वापस चला जा, वरना गांव वालों की तरह मैं तेरे को भी खा जाऊंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक तेरे को मैं अभी बताता हूँ। तू क्या बताएगा मेरे को तांत्रिक, मैं अभी तेरे को सबक सिखाती हूँ। तेरे को मैं अभी बताता हूँ, तू रुक। तभी उसी समय तांत्रिक अपना जादू चलाता है और चुड़ैल को भस्म कर देता है। नहीं तांत्रिक, मुझे बचाओ तांत्रिक, मुझे माफ कर दो तांत्रिक, मुझे माफ कर दो तांत्रिक। चुड़ैल के चंगुल से गांव वालों को तांत्रिक बचा लेता है और सभी गांव वाले तांत्रिक का धन्यवाद करते हैं।